नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्य में विकास का कोई बड़ा काम तो नहीं दिखा, लेकिन अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। समाजवादी सरकार के अच्छे कामों को बर्बाद करना ही भाजपा का काम रहा है। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है। समाजवादी पार्टी किसानों नौजवानों के हितों के लिए संघर्ष करती रही है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर और विकास को आगे रखकर समाजवादी पार्टी के अगला विधानसभा चुनाव जीतेगी। इटावा में पत्रकार से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने दीप पर्व की बधाई देने के बाद कहा कि भाजपा राज में बेटियां असुरक्षित हैं, झूठे मुकदमे, लगातार लोगों को अपमानित किया जा रहा है, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हाथरस में एक बेटी की निर्मम हत्या कर उसके परिवार का साथ दिया। जहां अन्याय हुआ वहां समाजवादी मदद और न्याय के लिए संघर्ष में आगे रहे। अखिलेश यादव ने पूछा शौचालय कहां बने, बिना बने ओपीडी के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, बिजली नहीं है, भाजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया, महंगाई बढ़ गई है, खाद, बिजली, डीजल सभी महंगे हैं, किसान को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, कृषि कानूनों के जरिए भाजपा खेत के मेड़ तोड़ने की तैयार में है। पीसी टावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। उससे ज्यादा संघर्ष के लिए तैयार रहो, अगर वो बनना चाहे, अपना सपना पूरा करना चाहे तो अभी भी करने को तैयार है। वहां लोग करने सपना पूरा, हिम्मत तो जुटाए। नहीं, आप ये तो लाइव है, ये चीजें ये तो लाइव है, वो भी देख रहे होंगे, उन तक बात पहुंच जाएगी। सरकार बनेगी तो आप इसको कैसे दूर करें? ये जो कानून आया है और इसके साथ साथ जो कानून बने हैं, ये किसानों को बर्बाद कर देगा। ये जो कानून बने हैं इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और याद कीजिए, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी है कि किसानों की खेत की मेड़ तोड़ दें। और वहीं राज्यसभा में आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा था कि ये जो कानून आए डेथ वारंट है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और प्रयास चल रहा था कि किसानों को उनकी आय भी बढ़े और जो सरकार तय करती है एमएसपी वो भी उन तक पहुंच जाए, इसके लिए लगातार मंडियों को बेहतर कर रहे थे। अगर एक्सप्रेसवे के किनारे जाएंगे आप तो मैनपुरी में जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी मंडी उतनी बनी छूट गई। इस 4 साल में बताएं कितना बजट दिया हमने, सब बजट काट दिया। हम 4 साल में अभी तक इलाज कराने सैफी हॉस्पिटल में नहीं गए। उन्हें ये लगता है कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है वो हमारे इलाज के लिए बना है, ये गरीबों के लिए बना है। जिन्हें कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है वो अगर सैफी जाएंगे तो उन्हें फ्री इलाज मिल जाएगा। ये इंतजाम नेताजी ने सैफी में किया है। वहां इलाज कराने मध्य प्रदेश के लोग आते हैं और मुझे जानकारी मिली थी कई मशीनें जो चंडीगढ़ में नहीं थी, एक आर्मी का बहुत सीनियर अधिकारी कई महीनों रह करके यहीं पर इलाज करा के गया था और अगर उसको इलाज कहीं और कराना पड़ता तो शायद वो इलाज कभी नहीं करा पाता था। एक आर्मी का आप जानकारी कर लेना, क्या महीनों रहे वो अधिकारी के नहीं रहे और पूरा इलाज होकर के यहाँ से गया कि नहीं गया। और कोविड में इस परेशानी में जो कोविड आया, सबसे आगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सैफई के मेडिकल कॉलेज ने निभाई है, जो नेताजी के जमाने से बना था और जितना नेताजी ने बनाया था उससे इतना ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में बना करके तैयार किया था, क्योंकि लोगों का इलाज हो जाए, लोगों की जान बच जाए। अब ये सरकार चाहती नहीं है कि किसी का इलाज हो जाए और जिसको इलाज कराने अस्पताल अगर जाना पड़ जाएगा सरकारी, वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। तो नहीं मानते कोविड हो जाए आपको फिर दोबारा वोट आप समाजवादी पार्टी को ही देंगे, बीजेपी को नहीं दे सकते आप, क्योंकि बीमारी वही लाए। मैंने लोकसभा में कहा था अगर स्पीच निकालेंगे आप, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा ये हवाई जहाज से आया है बीमारी और कहीं ये गाँव में पहुंच गए तो कैसा होगा। ये बात अलग है कि अब लोग मास्क की परवाह नहीं कर रहे हैं, बीमारी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में
दोबारा लॉकडाउन हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो हमें भी सावधान रहना पड़ेगा कम से कम। और ये मास्क हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे से सुरक्षित रहें, और कहीं हम अगर बीमार हैं तो दूसरे को बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम मास्क पहन रहे हैं। तो कम से कम सरकार को साफ करना चाहिए कि बीमारी है कि नहीं है, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में आ रही है। सरकार तो कह रही है कि नो टेस्ट नो कोविड, टेस्ट कराना ही बंद कर दिया होगा, जैसे नौकरी देना बंद कर दिया वैसे टेस्ट कराना बंद कर दिया उन्होंने। अखिलेश जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने नौकरी की बात, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार बैकडोर से नौकरियां दे रही है, बिना विज्ञप्ति निकाले भर्तियां चल रही है, बीजेपी अपने चहेतों को भर्ती करवा रहे हैं, लेकिन बेरोजगार की भावनाएं जो है उनको कुचला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये 2020 में कोविड आया है, 2021 तक ठीक होगा और 22 में एकदम खुशहाली आ जाएगी, इसने 22 तक इंतजार कर दिया, सब कुछ 22 में ठीक होगा, उससे पहले आप उम्मीद मत करिए कुछ ठीक कर देंगे लोग, 22 में सब ठीक होना है, विकास के रास्ते में चलना है, और किसानों के अभी सबसे ज्यादा अगर भला कोई करेगा तो समाजवादी सरकार 2022 में करेगी। किसानों की आय को दुगना करना चाह रही थी सरकार, उत्तर कई बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका केवल सम्मान यहाँ नहीं है, पूरे देश में मान करता है। जब वो समाजवादी पार्टी का सरकार का बना हुआ स्टेडियम उसका नाम बदल रहे थे, वो भगवान विष्णु के नाम पर था, उसका नाम बदल रहे थे, उस समय भी मैंने कहा। जब लोक भवन में प्रतिमा लगा रहे थे उस समय भी मैंने कहा, मैंने कहा वो रहने वाले बटेश्वर के थे, कम से कम बटेश्वर में ऑक्सफोर्ड जैसी कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी तो बना देते, क्या पैसे की कमी है दिल्ली सरकार को, क्या पैसे की कमी है उत्तर प्रदेश की सरकार को, सब नोटबंदी से तो पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई कमी हो तो बताओ, लेकिन क्या मिला बताइए, क्या बटेश्वर को मिला कुछ? तो जो अपने नेता का सम्मान न करते हो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? एक मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मंत्री के बारे में बहुत दुखी है, वो दुखी इसलिए हैं उनके विभाग में कुछ चल ही नहीं रहा, उनकी चलती नहीं, उन्हें कई बार टेंडर कैंसिल करना पड़ता है, और उस विभाग के साथ और मुख्यमंत्री का ये रिश्ता पुराना है, कोई नया रिश्ता नहीं है, इस विभाग का और मुख्यमंत्री का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो आप सोचिए, इतने दुखी मंत्री हैं वो, उनका सपना कुछ और था, उनका सपना इतना बड़ा था, और सपना देखते हैं आजकल भी देखते हैं, और कैसे नींद आती होगी तो ये तो भगवान बता सकते हैं, कैसे नींद आती होगी, समय तो बच रहा है, समय बच नहीं रहा, उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल, क्योंकि समय नहीं बचा है सरकार का। एक बार गलती से वो सपने में सोचे कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने जानकारी की कि मुख्यमंत्री कहां बैठते हैं, उन्हें पता लगा कि मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठते हैं, सुबह जब सपने से जागे तैयार होकर के जाकर के शास्त्री भवन में बैठ गए, अपने नाम का तख्ती भी लगा ली, जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठे उस मुख्यमंत्री कुर्सी के पे बैठ गए, लेकिन जब असली मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को जगा दिया, जब तख्ती फेंक दी और कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठ पाए, और जानते होंगे कौन है, नाम हम नहीं बताएंगे, आप लोग बेहतर समझते होंगे, उनका सपना बड़ा हो, हमें उम्मीद है कि उनका सपना ऐसे ही रहे, क्या उनका सपना पूरा हो जाएगा?